हाय फ्रेंड्स, आज बनाएंगे 2D स्केच को हम 3D स्केच में। इसके लिए हम सबसे पहले 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक 20 का डाया है, एक हमारा 42 का, ये हमारा है 30 का और ये 60 का। तो हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन का यूज़ करेंगे, स्केच करेंगे, सेंटर लाइन का यूज करेंगे, सेंटर से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन के दोनों एंड पॉइंट पे हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। दोनों सर्कल को हम डायमेंशन देंगे। ये हमारा 42 mm का डायमीटर, ये 20 mm का डायमीटर, ये हमारा 60 mm का डायमीटर, ये हमारा 30 mm का डायमीटर, इन दोनों सर्कल के बीच की गैप 105 है। ओके करेंगे। हम आर्क का यूज करेंगे। एक हमारी होगी 115 की और सेकंड हमारी होगी 60 की। इसके लिए हम 3 पॉइंट आर्क का यूज करेंगे। फर्स्ट क्लिक इस सर्कल पे करेंगे, सेकंड क्लिक इस सर्कल पे, थर्ड को हम यहाँ ड्रॉप करेंगे। सेम ऐसे ही इस सर्कल को क्लिक करेंगे, इस सर्कल को और यहाँ ड्रॉप करेंगे। हम इन लाइन का रिलेशन देंगे टेंजेंट चारों पॉइंट से। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन देंगे टेंजेंट। चारों पॉइंट को हमने रिलेशन दे दिया टेंजेंट। डायमेंशन का यूज करेंगे, इसको हम रेडियस देंगे 115। ये वाली रेडियस थी हमारी 60। ओके करेंगे। दोनों साइड से 8 mm ऑफ साइड लेंगे। इसके लिए ऑफ साइड एंटिटी का यूज करेंगे, 8 mm इनर साइड हम ऑफ साइड लेंगे। सेम इस साइड भी हम 8 mm रिवर्स डायरेक्शन का यूज करेंगे। ओके करेंगे। अदर स्केच को हम ट्रिम करेंगे। ओके करेंगे। सर्कल लेंगे, की स्लॉट के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। यहाँ ये 8 mm का है और ये हमारा 3 mm की, तो हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। डायमेंशन पे जाएंगे, ये लाइन हमारी 8 mm की है, ये हमारी 3 mm की थी, तो हम इसको 6 लेंगे। ओके करेंगे। अदर स्केच को हम ट्रिम करेंगे।
ओके करेंगे। हमारा स्केच रेडी है, हम फ्यूचर में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इस सर्कल को और इस सर्कल को। हम यहाँ हम सिलेक्ट कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे 20 mm, थीन रहेगा। इसके लिए हम मिड प्लेन का यूज करेंगे, ओके करेंगे। हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, सिलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे। इस स्केच को हम डिलीट करेंगे, जो हमको एक्सक्लूड करना है हम उसको क्लिक करेंगे। ये 10 mm है हमारा, इसको हम मिड प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, ओके करेंगे। अब हम यहाँ फ्लेट देंगे 2 mm का, इसके लिए फ्लेट का यूज करेंगे। इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इसके अंदर जो सूटेबल होगा हम वो यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। यहाँ हम देंगे 2 mm, 2 mm का फ्लेट, ओके करेंगे। हमारा स्केच रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।